शेर खुदा वो फादर है, हैदर 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 हैदर, शेर खुदा वो फादर है, हैदर 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 हैदर, कुफ्र का लश्कर भाग ये कह कर, हैदर 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 हैदर, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों की खिदमत में सैयद अकील हैदर रिज़वी का सलाम अलैकुम। आज मैं मिल्टन में वाक़े हैदरी स्टूडियो आया हुआ हूँ और बहुत दिनों से आना चाह रहा था, विज़िट करना चाह रहा था, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पर विज़िट कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि मिल्टन में हमारे नवेद ज़ादी जो शायर अहले बैत भी हैं और बहुत अच्छे नवाखा हैं, एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं हैदर टीवी के तआवुन से कि यहाँ के जो मुकामी नवाखा हैं, मनकबत खां हैं, वो उनके बहुत ही मामूली पैसों में नौहे और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और जो हैदर टीवी पर चलते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर चलते हैं, और ये एक वाकई बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर हैदरी स्टूडियो आया हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे वीडियो में भी कि किस तरह से ये रिकॉर्डिंग करते हैं, और नवीद भाई का इंटरव्यू भी लूंगा, और ख़ास तौर पे ये भी बताऊंगा कि हमारे जो यंग जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं, बाकायदा ख़ुद फ़ोन करके उनको बुलाते हैं अपने स्टूडियो में और बहुत ही कम पैसों में ये रिकॉर्डिंग करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त हैदरी स्टूडियो के रूए रवां जनाब नवीद अली ज़ैदी साहब मौजूद हैं, शायर अहले बैत नौखां, और ये खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं हैदरी स्टूडियो को चलाने की मिल्टन में। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अकील भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। माशाल्लाह आज मुझे पहली दफा आपके स्टूडियो में आने का इत्तेफाक हुआ और बड़ा अच्छा आपने सेटअप किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे आके। और जो हम लोग वीडियोज देखते हैं आपके स्टूडियो की, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो इस जगह पे रिकॉर्ड होती है। तो किस तरह आपको ख्याल आया यहाँ पे स्टूडियो बनाने का? और स्टूडियो ख्याल बेसिकली यहाँ पर इसीलिए आया जब बच्चों को देखा कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, उनको किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि वो वहाँ पर आके अपने नोहे रिकॉर्ड कराएं और आगे बढ़ें, कि यही नस्ल है जो आगे बढ़ेगी और हम अज़दारी को और फ़रोग देगी, क्योंकि हमारे बात यही है। अब हमने जो करना था वो तकरीबन कर चुके हैं और उसमें बेहतर लाने के लिए इनको तैयार करना ताकि उसमें वो बेहतरी लेके आ सकें। आनी है, मैं अक्सर देखता हूँ, और ये एक अच्छी बात है कि हैदर टीवी से आप मुंसलिक हैं, तो फिर ये होता है कि उससे फिर हमारे बच्चे बड़ी सतह पे प्रमोट भी हो जाते हैं। बेशक, और इसमें हैदर टीवी का बहुत बड़ा हाल है, और माशाल्लाह से वो जिस तरीके से हैदर टीवी प्रमोट कर रहा है तमाम नोहों को जो भी हैदरी स्टूडियो में रिकॉर्ड होते हैं, वो हर जगह दुनिया कोने में चलते हैं और देखे जाते हैं और लोग उस पर कॉमेंट भी करते हैं, एक सबसे अच्छी बात है, लोग प्रमोट करते हैं उसको, बच्चों को। जी बिल्कुल। और मतलब तकरीबन मैं देखता रहता हूँ कि टोरंटो के जितने भी बड़े नवाखां हैं यहाँ के नामी गिरामी, वो तकरीबन एक एक नवा रिकॉर्ड हो। अभी कितने साल हो गए आपको ये स्टूडियो खोले? अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक साल हो चुका है माशाल्लाह, अभी दूसरा साल चल रहा है। लास्ट ईयर गदीर में हमने किया था और दूसरी गदीर, अभी एक गदीर गुजर गई, तो इंशाल्लाह मालिक किसी तरीके से इसको चलाता रहे और ये बच्चे यहाँ के जो है इस्तेफादा हासिल करते रहे इससे। चले, बहुत आपके लिए नेक तमन्नाएं। और आपने देखा होगा नाज़रीन कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे परदेश में वही काम हो रहे हैं जो पाकिस्तान में होते थे। आप देख रहे थे हैदरी स्टूडियो से सैयद अकील हैदर रिज़वी के साथ एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री हैदरी स्टूडियो के बारे में, जिसमें नवीद ज़ैदी मेरे साथ थे और यहाँ के मोहम्मद अब्बास ज़ैदी साहब वो साथ थे। चलें, उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा क्लिप पसंद आएगा। शुक्रिया।